नमस्कार। खेतसँ खलिहान तक, घरसँ बजार तक, आवाजविहीनक आवाज 24 घंटा निरन्तर अहाँ सभक सङ्ग ई अछि कृषि टेलीविजनके नियमित कार्यक्रम मधेश दर्पण आ हम छी प्रवीण। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मधेश दर्पणमे खास कऽ तराई मधेशके किसानक विषयवस्तु प्रस्तुत करैत आबि रहल छी। तऽ दर्शक लोकनि, आजुक कार्यक्रममे अहाँ सभके बुझल अछि जे वर्तमान समयमे खेतीपाती केनाइ कतेक कठिन भेल गेल जा रहल अछि। गाम घरमे खेती करबाक लेल हरवा चरवा सभ सेहो नहि भेटैत अछि, ओतबे नहि धन रोपनी, कटनी आ अन्य काज करबाक लेल सेहो गाम घरमे जन मजदूर भेटनाइ बहुत मुश्किल भऽ गेल अछि। एहन अवस्थामे बाढ़ि आ वर्षासँ आम किसान आह्लादित भऽ गेल अछि, उद्धार कार्य सेहो कमहि देखल गेल अछि। जँ खेतीमे उपज कम होइत तऽ पुनः किसानके समस्या बढ़त। देशक कृषिजन्य भूमि नष्ट भेल अवस्थामे अछि आ रोपल बाली सेहो पूर्ण रूपसँ नष्ट भऽ गेल अछि। तऽ एहन अवस्थामे किसान आ कृषि मजदूरक अवस्था दयनीय रहल अछि। तऽ प्रस्तुत अछि एहि सन्दर्भमे एकटा रिपोर्ट। किछु वर्ष एम्हर 70 जिलाके बाढ़ि आ रौदीसँ प्रभावित जिलाके रूपमे चिन्हल जाय लागल अछि। एतय कोन समयमे बाढ़ि आओत आर कोन समयमे रौदी होयत तकर कोनो ठेकान नहि अछि, मुदा प्रत्येक वर्ष बाढ़ि अबैत अछि आ सैकड़ों घर परिवारके जोगी बना कऽ चल जाइत अछि। बाढ़ि जेहन शब्द सप्तरीवासीक लेल अभिशाप बनि कऽ रहि गेल अछि। वातावरणमे लगातार आबि रहल परिवर्तनक कारण सप्तरीमे कहियो समयसँ पहिने मनसून सक्रिय होइत अछि तऽ कहियो देरीसँ, कहियो लगातार अविरल वर्षा होइत अछि तऽ कहियो वर्षा रुकलापर लगातार कड़ा रौद उगैत अछि। एहन अवस्था अछि सप्तरीके। अति बाढ़ि, अति वर्षा भयो, वर्षे अति थुपड़ी भयो जे खेत पोखरि जुन ठाउँ तल्लो छ त्यो घरमा पनि पानी पुरै पसेर अति अनाजहरू के क्षति पुर्याइदिएछ। अरू मान्छे र आफ्नो घर छोडेर अर्को घरमा विस्थापित छ, अहिलेसम्म विस्थापित छ। अब कुनै मान्छेको खानको लागि पुरै चावल दाल जति थियो, जे धान तान सबै त्यही बगाएर लगेछ। अब जस्तै हामीहरूको 3-3 बिघाको एउटा प्लट पोखरी छ माछा पार्ने, सबै खेत र पोखरी, कुन पोखरी हो कुन खेत हो सबै एक नाश भएर एक बेग सबै कमजोर करोडौँ रुपियाँ भयो। एउटा त्यहाँ 3-3 बिघाको पोखरी हो, करोडौँ रुपियाँ क्षति भएछ। त्यो क्षतिपूर्तिको लागि त्यही ठेकेदारहरू अब त्यो जति विस्थापित भएको त्यसलाई घर भत्कियो छ, घर टुट्यो छ, रोड पनि पुरै भत्कियो छ। रोड त रोडमा कुनै आवाजावत पनि बन्द छ, सबै बगाएर लग्यो, केही छैन। खानेकुरा, चावल दाल, सबै लुगा सुगा, सबै जुन मेरो बुढीको गाना थियो त्यो पनि बगायो। केही छैन खानेकुरा, म अहिले अरूको घरमा बसिरहेछु, खाइरहेछु। त्यो भोला मुखिया घरको नाम छ, त्यसको घरमा बसेर खाइरहेछु। मेरो केही छैन घरमा, अब यति नै हो। अनि मैले आउँदाखेरि सबै पानी पानी थियो। किसानको घरमा भए जतिको सम्पत्ति यहाँ बाढी पीडित जनता छ यहाँको, त्यो सब जनताले आफ्नो घरमा भएको रकम पैसा सबै लगानी लगाएर आफ्नो खेतीबारी चाहिँ लगायो, खेतीमा बाली लगायो। त्यो बाली यो बाढीले सबै बगाएर लगिदियो। त्यसको क्षतिपूर्ति कमसे कम यसपालिको लागि कमसे कम नेपाल सरकारले त्यो क्षतिपूर्ति कमसे कम पुरा गराओस्। जेठ महिनाके अन्तिम सप्ताह दिस मनसून सक्रिय होबाक आब ओहन नहि देखबामे अबैत अछि। दिन प्रतिदिन वर्षा आ रौदक अन्योलता प्रकट करैत तबाही सृजना कऽ रहल अछि प्रकृति। एहि वर्ष अखाड़ महिनाके तेसर हप्ताके शुरुआतमे भेल लगातारके अविरल वर्षाक कारण खाँडो, जीता, महुली, दुधेला लगायतक नदीमे आयल बाढ़िसँ जिल्लाके 1 दर्जनसँ बेसी बस्ती प्रभावित होयबाक सङ्गहि सड़क, कलभर्ट लगायतक संरचना समेत तहस नहस होइत अछि। एहि बेरक बाढ़िमे तिलाठी, सगरपुरा, रमपुरा, मल्हनिया, बसबिट्टी, पौआ, मुसरनिया, पिपराही, रूपनी, पकड़ी, त्रिकौल, लोजारा, मैना कडेरी, भारदह, पोरताहा लगायतक गाममे 1500 बेसी घर डुबानमे पड़ल अछि। सप्तरीमे खाँडो, जीता, महुली, दुधेला लगायतक नदीमे प्रत्येक वर्ष बाढ़ि अबैत अछि आ तिलाठी, सकरपुरा, रमपुरा, मल्हनिया, लोनिया जेहन गामक आ बस्ती सब डुबानमे पड़ैत आयल अछि। एहिमे बाढ़ अलै तऽ बाढ़के हिसाबसँ कसके भर क्षति भर पानी डुबाने पड़लै, डुबानमे यहाँ पड़ै तऽ सब लागलै अथी करै, एहिमे दोसर जगह भी होलै। हाँ,
लैका फैका सब तो कसकल तो पानी अल तो पानी अलग बाद में कसकर कर मारे टाटी गिर टाट भ सकल तो सबके अल तो पड़ोसिया जगल पड़ोसिया जगल कि हाँ एन बाढ़ आये सब कल के सब एने भाग भूक कर ले सब चाय चाय करे केने भागू की करूँ न करूँ डुबाने पड़ल चार प्राणी सबके घर में सुतल छे गाँव के लोग सब जमे कोई भागे कोठा नहीं हमारे घर कात में छे वो घर काते में छे घर में पानी ढुकल तब जनलिए तब बच्चा बुच्ची लेने हम सब भाग गई बेटा बेटी लग घर चल पड़ोसिया घर में भाग गलिए घूर कलिए तो पूरे तीस भर के हौसली है दस भर के पायल है 70,000 रुपया है 8-9 क्विंटल चावल है 3 ठेक धान है लुगा सुगा है छिपा लोटा है जमे लग गल घर में गली तत देख के धसना गिर लगल कि बाले बच्चा लग भाग गलिए कुछ नहीं अत कुछ नहीं घर में रह गल एहबेर आयल बाढ़ में तिलाठी गाँव पालिका के कार्यालय वड़ा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी राजविराज भंसार कार्यालय प्रहरी चौकी सशस्त्र प्रहरी के बॉर्डर आउट पोस्ट आ स्थानीय विद्यालय भवन में डुबान में पड़ल तहिना तिलाठी 3 स्थित सकरपुरा गाम में सेहो खाँढ़ो नदी के बाढ़िक तबाही मचेला से करीब 60 घर पूर्ण रूप से डुबान में पड़ल खाँढ़ो नदी के बाढ़िक कारण राजविराज नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 आ 10 के अधिकांश क्षेत्र में डुबान पड़ल तहिना लोहजारा स्थित महुली नदी पूर्व दिशक बांध टूटला से साबिक त्रिकोल 8-150 घर डुबान में पड़ल तहिना राजमार्ग में रहल रूपनी गाँवपालिका के वीरेन्द्र बाजार पौआ लगायतक स्थान में सेहो बाढ़ से जनजीवन प्रभावित बनौने तहिना बाढ़ से मलेठ में सेहो क्षति पहुँचने अहिले हजारों को हजार संख्या में हमारे गाँव को जनता को खेतीपाती बाली नाली कहाँ कहाँ कर्जा काटेर के पैसा कहाँ कहाँ जुटाएर ते खेती गरिया थियो सब खेती हमारे नोक्सान पर्यो हमारे गाँव के मान्छे मरे को जस्तो भयो अब इसमें हमी सब कृषि अफिस को लाई हमी आग्रह करद कतईबाट कोई पहल कर आक हेलिकप्टर आक दुई दिन तीन दिन अगि माथिबाट नहीं गई सको हिजो आयो दुई चार बड़ा चिवरा सिवरा के खसालेर गयो हामीलाई के त्यो चिवरा सिवराले के हुने वाला छैन हाम्रो हजारों हजार लाखों को संख्या में जनताहरुको दुख भएछ अब त्यति हामी चिवराले के पुग्छ हाम्रो क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो सरकारसँग हामी माग गर्छु बाढले त हामी यो खेतमा चाहिँ बाली धान लगाएको बाली थियो कम्तीमा 2 फिट लामोसम्म उम्रेका थिए अनि 4-5 फिटसम्म बालुवा नै पिटिसक्यो त्यो धान चाहिँ तलबमा खसियो घरमा को के अन्न पानी रकम सकम सबै खेतमा लगाइसकेको छु अब घरमा केही छैन अब खानालाई केही छैन अब खेतमा के लगाउँछ बिउ पनि छैन कृषि मन्त्रालयसँग म अनुरोध गरिरहेको छु कि हाम्रो खेतमा लगाउने बिउ सिउ चाहियो अब बिउ लगाउन त टाइमै छैन धान बाली लगाउन त टाइमै छैन टाइमै सकिसक्यो अब खानापिनाको लागि केही राहत त दिनु पर्यो हजुर अलिकति छ मुङफली पनि छ 10-12 कट्टा रोपेको छ त्यो पनि नष्ट भएको छ 10-12 कट्टा धान छ त्यो पनि नष्ट छ हामी चाहन्छौँ कि हामीहरू त्यसै धेरै पीडामा छौँ हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनु हामीहरू त ऋण लिएर काम गरेको छु अब ऋण कहाँबाट म चुक्ता गर्छु मलेठक दलित बस्तीमा घर घरमा पानी पसलासँग लत्ता कपडा अन्नपात सेहो बहुने अछि तहिना मोहम्मद यासिन के मुर्गा फार्ममा रहल 1200 मुर्गा आ अन्नपात बहाक लगेल अछि तहिना बाढ़िसँ मलेठ स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सेहो जलमग्न भेल अछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र बाढ़िके पानि पछिलासँ 20 मीटर लम्बा देवाल टुटबाक सँगै पानि पछिलासँ उद्योगमे अत्यधिक क्षति भेल अछि खाँढ़ो नदीमे आयल बाढ़िसँ नदीके पूर्वी आ पश्चिमी तटबन्धके आधा दर्जनसँ बेसी स्थानमे कटान कयने अछि तहिना करिब 5 स्थानमे तटबन्ध कटान भेल अछि खाँढ़ो नदीके पूर्वी तटबन्ध अन्तर्गत सप्तरी के तोपा में सेहो बाँध कटान भेल अछि सप्तरी जिला के सन्दर्भ में देखल जाए तो वार्षिक रूप से ओत के कथा व्यथा एहने रहल अछि प्रत्येक वर्ष खाँढ़ो जीता महुली जेहन नदी सब में आयल बाढ़ तिलाठी सकरपुरा रमपुरा मलहनिया मैना कडेरी जेहन स्थान सब में तबाही अनैत अछि मुदा एखन धरि एकर तत्कालीन समाधान राहत वितरण करबाक अलावा दोसर कोनो स्थायी विकल्प नै खोजल गेल अछि सब साल बाढ़ अबैत अछि क्षति पहुँचाबैत अछि आ ओकर बाद विभिन्न सङ्घ संस्था सब अग्रसरता देखबैत राहत वितरण करबे करैत अछि मुदा बात ओतै समाप्त भऽ जाइत अछि
सब तरीके एहन विपद के घड़ी में यूके में रहल नेपाली सबक संस्था नेप्लिज ब्रिटिश यूके स्थानीय संस्था आइडिया नेपालक संग समन्वय करैत बाढ़ प्रभावित मलेठ गामक 83 परिवार के राहत उपलब्ध कराने अछि। बाढ़ पीड़ित के प्रति परिवार 10 किलो चाउर, 2 किलो दालि, 1 किलो नून, आधा लीटर तेल, एक गोटा झूल आ तहिना एकटा बाल्टीन आ एकटा कम्बल एवं एकटा बिछौना उपलब्ध करौलक अछि। तहिना राहत वितरण कार्यक्रम में सप्तरी के सीडीओ कृष्ण बहादुर कटवाल, नेपाली सेना के राजबिराज स्थित गणक गणपति सुरेंद्र देव बोगटी, नेपाल प्रहरी के एसपी मुकेश सिंह, नेप्लिज ब्रिटिश कम्युनिटी यूके के दिशा पत्रकार सब ओम प्रकाश शाह आ संजीव विक्रम शाह राहत सामग्री वितरण कयने छल। नेप्लिज कम्युनिटी यूके जसको यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ ओम प्रकाश जी र संजीव विक्रम शाहले, अब धनराज गुरुङको प्रतित्व मान्य धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसको श्यामसुन्दर शर्माले यसको रेगुलर सभापति यही हुनुहुन्छ, मेरो भूमिका सहजीकरण मात्रै है र यो चाहिँ एकदम पारदर्शी हिसाबले पाडियोस् र यो दलित बस्ती गरिब त्यो पनि मलेठमै भएको तहिना पत्रकार आनन्द अनुराग सेहो अपन प्रयास काठमाडौँमै रहल पत्रकार सबसँग सङ्कलित रकमसँग 500 गोटा त्रिपाल आ किछु खाद्यान्न वितरण कयने छल। तहिना पत्रकार ध्रुव झा सेहो जनकपुर टिम सहित सप्तरी जाकऽ राहत वितरण कयने छलाह। त दर्शकवृन्द, आजुक प्रस्तुति केहन लागल आ कृषि टेलिभिजनके कार्यक्रम मधेश दर्पणमे अहाँ सब केहन विषयवस्तु देखऽ चाहैत छी? सल्लाह, सुझाव आ प्रतिक्रियाक लेल सम्पर्क करी मधेश दर्पण 2017@gmail.com पर। त दर्शकवृन्द, आजुक कार्यक्रमसँग सबगोटासँग हम प्रवीण पुनः भेटबाक बाचा करैत बिदा लैत छी। बेस त नमस्कार, जय कृषि, जय किसान, समृद्ध मधेश, नेपालक शान, देखैत रहू कृषि टेलिभिजन।